बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश खुरम होंगे, सेहतियाब होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता सेहतियाब रखे इन ढेर सारी दुआओं के बाद। बस आज जो रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो भी सुबह 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 आज हम आपको ब्रेकफास्ट बनाना सिखा रहे हैं, टेस्टी और मज़ेदार और गजाइए से भरपूर हम आपके लिए लाए हैं। आज सैंडविच बहुत टेस्टी है और बहुत मज़े के हैं। चलिए इसे इंग्रीडियंट स्टोर कर लें और इसे कुक करने का तरीका भी नोट डाउन कर लें कि हम इसको कैसे तैयार करेंगे। गजाइए से भरपूर टेस्टी मज़ेदार से सैंडविच आज हम तैयार कर रहे हैं, एग वेजिटेबल सैंडविच। चलिए इसको बनाने का तरीका नोट डाउन कर लेते हैं। व्यूअर्स, ये हमारे पास बंद गोभी का फूल है छोटा सा, वो मैंने इसको कट कर लेना है। सबसे पहले हम इसको काट लेंगे अच्छे से, बस थोड़ा सा ही हम काटेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। देखिए व्यूअर्स, ये मैंने अच्छा सा बंद गोभी को बारीक चॉप कर लिया है। कोई भी वेजिटेबल आपके पास है तो आप उसको चूज कर सकते हैं इसीलिए हम ये डालेंगे। इसके अलावा भी मुझे एक अदरक हरी मिर्च चाहिए। स्पाइस को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हम इसमें एक अदरक हरी मिर्च को ऐसे चॉप करेंगे, डालूंगी इसमें। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब भी बस आप क्या करेंगे, अब हमें दो बॉयल एग चाहिए। ये दो अदर अंडे हैं मेरे पास बॉयल, हमें ले लिए हैं। अब इसको हम अच्छे से कटर से कट करेंगे। पहले मैं इनको साइड से करूंगी ऐसे, ताकि जो कटिंग वाला काम है वो इजीली पहले हम कर लें। इसके बाद हम मायनीस लेंगे एक बॉल में। इस टाइम पे व्यूअर्स, मैंने एक बॉल ले लिया है प्यारा खूबसूरत सा, इसमें हम डालेंगे मायनीस तकरीबन दो बड़े खाने के चम्मच। अपने टेस्ट के हिसाब से इसकी क्वांटिटी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने डाल दिया इसमें मायनीज को, और इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर। हाफ टी स्पून हमने इसमें ब्लैक पेपर शामिल करना है। इसकी भी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। इस पॉइंट पे व्यूअर्स, ये मैंने ये जो बंद गोभी थी इसको हमें इसमें शामिल कर देना। बंद गोभी और हरी मिर्च जो थी उसमें डालेंगे, उसको अच्छे से हमने मिक्स करना है, क्योंकि हम जो बना रहे हैं आपके लिए टोस्ट बहुत टेस्टी और बहुत ही मजे के हैं। ये इजी बनाना है, इजी तरीके से कुक होंगे, बनाएंगे ये और गजाई से भरपूर होंगे ये। ये व्यूज, मुझे चार से पांच अदर ब्रेड के पीसेस चाहिए। अब हम इस टाइम पे क्या करेंगे, एक पीस उठाएंगे ऐसे और हम इसे कॉर्नर रिमूव नहीं करेंगे। अभी हमने इस पर ऐसे स्प्रेड कर देना है। ये हमने सारे ब्रेड के पीसेस को स्प्रेड कर देना है, कॉर्नर पे भी लगाएंगे हम। बहुत टेस्टी और बहुत ही मजेदार से ये हमारे सैंडविच तैयार होने वाले हैं। तो आपने वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है बगैर स्किप किए, और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके भी मजेदार से ये सैंडविच तैयार हो जाएंगे। हम इसको ऐसे अच्छे से भर भर कर लगाना है। से मैंने बहुत अच्छे से इसको ऐसे लगा देना है हर तरफ से। अब इसके बाद हमने इसके ऊपर ब्रेड का दूसरा पीस ऐसे रख देना है, ऐसे दोनों हाथों से सूप प्रेस करेंगे। अब इस पॉइंट पे व्यूअर्स, मैं इसमें एग के लिए अच्छा लगाऊंगी। मुझे मैंने एग कट कर लिया था ऐसे,
स्लाइसे अपने अच्छे से कट हो चुका था। यहाँ पर हमने हर तरफ अच्छे से ऐसे एग को लगा देना जैसे। अब इस पॉइंट पे हम आके इसको थोड़ा सा यहाँ रखेंगे और एक पीस और लेंगे और उसके ऊपर हमें फिर मायनीज लगाना है सिंपल। तो हमें ऐसे खाना है और उसको ऐसे कर देना है। बहुत ही गजाई से भरपूर टेस्टी और मजेदार सा होता है ये हमारा सैंडविच, मजेदार से तैयार हो रहे हैं। तो आपने बगैर स्किप किए कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। ये देखिए रजाई से भरपूर टेस्टी मजेदार से हमारे सैंडविच तैयार हो रहे हैं। अब इस टाइम पे हमें ये भी इसके ऊपर ऐसे कर देना है, इसको हाथों से ऐसे प्रेस कर दें। अब जो आएगा पॉइंट, अब ये बस हमने चीज लेनी है, चीज स्लाइस मेरे पास है, ये हमने इसके ऊपर रखना है ऐसे। क्योंकि मैं आपको बता रही ना ये सैंडविच जो है बहुत ही रजाइये से भरपूर और टेस्टी है। ये हमने दो स्लाइस ऐसे रख लिए और इस टाइम पे हमने ऐसे इसको कर कर ये ऊपर से पीस वो हमने ऐसे रख देना इसके। व्यूअर्स अभी मैंने पैन ले लिया है, पैन को रखा है फ्लेम पर, फ्लेम को करते हैं ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस पॉइंट पर मैंने फ्लेम को ऑन कर लेना है। फ्लेम ऑन हो गया। अब इस टाइम पे व्यूअर्स मैं फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दूंगी और मैंने यहाँ पे डालना है बटर। ये व्यूअर्स मैं इसमें बटर डालूंगी और बटर को हमने हल्का सा गर्म करना है, ज्यादा फ्लेम नहीं खोलना क्योंकि ये जल ना जाए। इसके साथ चेंज करेंगे मगर लीजिए व्यूअर्स सिस्टम में हमारे बेहतरीन से ये टोस्ट तैयार हो चुके हैं। फ्लेम को मैंने कर दिया बंद और इसका हम अच्छे से प्लेटर में निकाल लेते हैं सर्विंग के लिए। लीजिए व्यूअर्स सिस्टम में हमारे सैंडविच भी बेहतरीन से जबरदस्त से तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम अच्छे से कट करेंगे और आपको सर्व करके दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कितने टेस्टी और कितने मजेदार से ये हमारे सिस्टम पे सैंडविच कम्प्लीट तैयार हो चुके हैं, जो गजाइये से भरपूर भी है, टेस्टी भी है और बहुत मजे के हैं। आप सबने मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच करना है। नए लोग हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। अब आपको हम करते हैं सर, हमने से एक ट्रे ले लेनी है और उस टाइम में हम इसको सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह क्या जबरदस्त हमारा ये सैंडविच डब्बे तैयार हो चुका है। फुल गजाइये से भरपूर भी है और टेस्टी भी है।
लीजिए व्यूअर्स, स्टैम्प पे हमारे बेहतरीन से ये सैंडविच तैयार हो चुके हैं, टेस्टी मजेदार गजाइए से भरपूर, बहुत ही मजे के हैं। और आप देख रहे हैं कि इसमें चीज भी है, एग्स भी है और वेजिटेबल भी है, तो तकरीबन फुल मीठा है ये, बेहतरीन सा। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा और जरूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आज की रेसिपी कैसे लगी। इसी के साथ भी बस आपसे इजाजत चाहूंगी, फिर से एक और मुझे याद रखिएगा नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।